नमस्कार फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस की और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने लास्ट वीक में जो आपको स्टॉक दिया था उसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहला मैंने आपको स्टॉक दिया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसको मैंने बोला था कि अगर ये 775 के ऊपर निकलेगा तो उसका पहला टारगेट आएगा 782 और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया था 789। लेकिन आप चेक करोगे कि दूसरे दिन ही वो 775 के ऊपर नहीं निकला बल्कि वो नीचे आ गया, तो किसी ने इसमें एंट्री लिया ही नहीं होगा। ओके, तो ये स्टॉक हमारा चला नहीं। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज के बारे में मैंने आपको बोला था कि अगर वो 1824 के ऊपर निकलेगा तो उसका पहला टारगेट मैंने आपको दिया था 1840, 1850, 1865। ये तीनों टारगेट फ्रेंड्स हमारा अचीव हो गया, आप यहाँ पे चेक कर सकोगे। दूसरे दिन ही उसने हमारा 1840 लेवल आ गया था। ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये आया उसका 25 मार्च को उसका हाई मारा उसने 1878। तो ये स्टॉक हमारा सक्सेस हो गया। ओके, तीसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था डीएलएफ के बारे में भी आपको बोला था मैंने कि अगर वो 365 के ऊपर निकलेगा 365 के ऊपर निकलेगा ये वाला, तो उसका टारगेट आया दिया था मैंने 371 और 374, लेकिन उस वो भी 375 के ऊपर निकला ही नहीं। ये जो हमने ट्रेंड लाइन थ्रो किया था अपसाइड में रजिस्ट्रेशन, उसको वो क्रॉस नहीं कर पाया। दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था, फोर्थ स्टॉक मैंने आपको दिया था यूबीएल के बारे में भी मैंने आपको बोला था कि अगर वो 1500 के ऊपर निकलेगा तभी ये हमारा पहला टारगेट आता है 1509, 1525 और 1559। लेकिन उसने भी क्या किया, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर वो भी ये भी स्टॉक चला नहीं। और लास्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था ग्रासिम के बारे में मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, मैंने आपको डोला दिया था ग्रासिम के बारे में। ये जो ग्रेवी स्टोन नेगेटिव कैंडल ये जो बनी हुई थी ये वाली, उसके लो को ब्रेक करेगा तो मैंने आपको टारगेट दिया था उसका, मैंने टारगेट आपको दिया था फ्रेंड्स 1600-1610 को ब्रेक करेगा तो मैंने आपको टारगेट दिया था, ये निकाल ही देता हूँ। क्लियर होगा तभी हमको पता चलेगा। ओके, ये 1610 का लाइन है, 1610 ब्रेक करेगा तो मैंने आपको बोला था कि पहला टारगेट आएगा डाउन के साइड में 1598, सेकंड टारगेट मैंने आपको दिया था 1580। तो आप यहाँ पे चेक करोगे उसने दूसरे दिन ही ये पूरा टारगेट उसने अचीव कर लिया और लो उसने मारा था 21 मार्च को, उसका लो है फ्रेंड्स 1556 रुपीस। यानी इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा अगर ग्रासिम में किसी ने पुट लिया होगा या फिर उसको सेल किया होगा। चलिए देखते हैं, अब मैंने आपके लिए तीन स्टॉक निकाला है नेक्स्ट वीक के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इससे पहले फ्रेंड्स लाइक को चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलो, पहला स्टॉक मैंने आपके लिए निकाला है फ्रेंड्स बर्गर पेंट्स को। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये उसका रजिस्ट्रेशन लाइन है। ओके, अगर इस लाइन का वो उसका प्राइस आ रहा है 691, अगर 691 को वो ब्रेक करेगा आने वाले दिनों में तो उसका पहला टारगेट आएगा 699 और दूसरा टारगेट भी आपको देता हूँ 705। ये है हमारा बर्गर पेन पहला स्टॉक। और दूसरा स्टॉक मैं आप बारे में बोलता हूँ, मैं आपको दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स गोदरेज प्रॉपर्टी भी आप देखोगे तो बोर्ड डाउन से ये ऊपर कंटिन्यू जा रहा है और यहाँ पे वो अपने रजिस्ट्रेशन के जोन पे आ गया है फ्रेंड्स। ये लाइन उसका रजिस्ट्रेशन जोन है, ये ब्लैक वाली लाइन मैंने जो ड्रॉ किया वो, और उसका प्राइस है रजिस्ट्रेशन का 1600
35 रुपीज़, यानी 1635। अगर मंडे को यानी सोमवार को अगर वो ये 1635 को ब्रेक करेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है वन वीक में 1655। कौन सा आएगा पहला टारगेट हमारा आएगा ये 1655, और दूसरा टारगेट आएगा उसका 1687, ये येलो वाला है ना, ये दोनों का टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स मंडे को या नेक्स्ट वीक 7 वीक में, यानी 7 डे के अंदर। ओके इसको मैं निकाल लेता हूँ। और उसके बाद आएगा हमारा तीसरा स्टॉक, मैंने आपके ले लिया है फ्रेंड्स, तीसरा स्टॉक लिया है मैंने आपके लिए ये वाला ICICI लोमबर्ग, बहुत ही बढ़िया जगह पे ये आके रुका है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन के पास ही खड़ा है ये। इसमें ये दिक्कत हो रही है पूरा, आप यहाँ पे चेक करोगे फ्रेंड्स तो उसने यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके ये अपने रजिस्ट्रेशन जोन के पास खड़ा है, ये वाला रजिस्ट्रेशन जोन है उसका 1278 रुपीज़, 1278। अगर मंडे को या ट्यूसडे को ये 1278 के ऊपर क्लोज होता है या उसके ऊपर निकलता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 1300, 1300 रुपीज़, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 1325। ये स्टॉक आ सकता है ICICI रूमर का अपसाइड में टारगेट। ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।